यहाँ तक लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमने एक फंक्शन बनाया था, दिस वन, एक माई फंक्शन बनाया था जावास्क्रिप्ट का, एंड उसको ऑन क्लिक कॉल किया था, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेंथ कितनी है आप लोगों की? आवाज काट गई। 35। यस सर, 35 के राउंड अबाउट, 34 या ठीक है, 35। आपने रिमाइंड नहीं करवाया मुझे। सर सी आर हाँ जी, सी आर, मैंने, मुझे लगा सी आर ही बात कर रहे हैं। हनान बच्चे, आपने रिमाइंड नहीं करवाया, मैंने कहा था सी आर जी आर दोनों में से कोई एक रिमाइंड करवा दे मुझे। सॉरी सर, ध्यान नहीं रहा। चले इस वीक ना मुझे आप रिमाइंड करवा देना, ताकि मैं ना उन बच्चों की, एक्चुअली देखिए वो डिफरेंस बहुत ज्यादा बनता है, 35 भी हो तो 14 बच्चे जो हैं वो एबसेंट हैं। चलिए, रीजन होता है किसी एक बच्चे का, दो का, और जिसका भी रीजन हो ना, उसने सी आर को, मीन आपको, जी आर को, या मुझे जरूर बताना है कि भी मैंने आज की क्लास नहीं लेनी और क्यों नहीं लेनी। फिर यस अटेंडेंस शार्ट होगी, फिर ये बच्चे कहेंगे कि हमने पेपर देना है, कि मैं फिर कहूंगा नहीं देना, तो मसले मसाइल बनेंगे फिर उस वक्त। अच्छा जी, रोल नंबर 41। बच्चे ये बताएं, यस सर। ये ऑन क्लिक पे फंक्शन कॉल किया हुआ है, ऑन सर्वर क्लिक पे कॉल किया हुआ है, पहले कौन सा कॉल होगा, ऑन क्लिक वाला या ऑन सर्वर क्लिक वाला? ऑन सर ऑन सर्वर क्लिक वाला। सर्वर क्लिक वाला। हम, आपने लास्ट क्लास ली थी प्रैक्टिकली, यस सर। वैसे हमने इसको करके भी देखा था, आपने प्रैक्टिस क्यों नहीं की? सर जो आखिरी था ना 7 मिनट वाला जो आपने लेक्चर दिया था बाद में, मैं वो नहीं अटेम्प्ट कर सका था, जो ये वाला स्लाइड पढ़ा इतना जावास्क्रिप्ट वाली माई फंक्शन। तो मैंने इस वीडियोस तो अपलोड कर देंगे, सर वो मैंने देखा है वीडियो अभी सुबह। हाँ जी, मोहम्मद रेहान, रोल नंबर 9। रेहान बच्चे अनम्यूट करें इसको जरा। अभी क्लास स्टार्ट हुई है, अभी बच्चे गायब हो गए। दिल तो मेरा ये कह रहा है कि मैं बच्चों को क्लास से आउट कर दूं और देन वो रीज्वाइन भी ना कर सके, मगर फिर एट द एंड बच्चे का नुकसान है, लेकिन जो क्लास में नहीं है उसका क्या नुकसान है? वो हाँ जी, रोल नंबर 18, जैन। बच्चे एक चीज यूज करें, आपने दो दो जगह से आई थिंक लॉगिन किया होगा, क्या आवाज आपकी हमें वापस आ रही है? ठीक सर वो पहले वो ऑन था स्पीकर ना भी अनफिल गई है। सर हो गया। अच्छा ये बताएं, ऑन क्लिक पहले ट्रिगर होता है या ऑन सर्वर क्लिक? जब वो मतलब क्लिक किस चीज का करते हैं, मतलब किसी बटन वगैरह पे या हाँ जी, बटन पे ही। सर जब हम क्लिक करते हैं सर पहले वो सर्वर साइड का रन होता है, उसके बाद कौन सा होता है?
सर जब वो सर्वर साइड पे रन हो गया सर उसका जो रिस्पांस वापस आएगा सर फिर ऑन क्लिक होगा जी प्रैक्टिस क्यों नहीं की सर दरअसल वीकेंड पे जरा बिजी था कुछ गेस्ट वगैरह आए हुए थे तीन चार दिन ना तो अभी लेक्चर जरा कोई नहीं रिपीट किए सुना नहीं है सर रिकॉर्डिंग वगैरह भी वो जो गेस्ट थे वो जो गेस्ट थे वो आपसे मिलने आए हुए थे घर में और कोई बंदा नहीं होता सर घर में फंक्शन थे सर एक दो ना एक एंगेजमेंट थी और इस तरह से सर यार फंक्शन थे तो तीन दिन फंक्शन रहे हैं आपके और पहले वीकेंड था तो वीकेंड से पहले भी तो थे ना सर वीकेंड से पहले मतलब नहीं स्टडी कर पाया सर चले पेज लाइफ साइकिल के जरा आप इवेंट्स के नेम बताएं मुझे इस वीकेंड का इशू था ना पहले वाले वीकेंड्स का तो नहीं था सीक्वेंस में मुझे पेज लाइफ साइकिल के इवेंट्स के नेम बता दें ओके सर सर जिसका हमने वो किया था प्री इनिट था एक और एक मिनट सर अब क्या स्लाइड्स ओपन करनी है क्या करना है नहीं सर स्लाइड्स नहीं मैं हाय सर वो विंडो नहीं किया तो डाटा भी कॉपी को नहीं किया विंडो में ना स्लाइड्स नहीं है मेरे पास सर एक प्री इनिट था और सर एक वो इनिट था और उसके बाद ऐसे इनिट के एक और था इनिट कंप्लीट था सर तो मेरे ख्याल से यही था सर बट पे लाइफ साइकिल खत्म हो जाता है सर इसके अलावा वो एक दो और भी थे वो लोड वाले सर इवेंट थे उनका एक दो और थे पांच हो गए सर वो लोड के रिलेटेड थे सर वो जो पहले मतलब लोड करता है बाद में फिर एक और लोड का मतलब प्री लोड और एक लोड था अच्छा पेपर नहीं देना जिस तरह की तैयारी है जी पेपर नहीं देना आगे सर अभी प्रिपरेशन हो जाएगी सर वो अभी की स्टार्ट नहीं की प्रॉपर तरीके से अभी थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा ना तो इतना कोर्स बन जाएगा वो 10 स्लाइड्स हैं वो 3 दिन लगाएंगी थोड़ा सा ना मतलब मैच्योर हो स्टडी में ओके सर ये बाकी जो इवेंट्स वाले ना ये टाइम लाइफ में बड़े मिलेंगे आपको किसी का नहीं okay. दूसरे का तीसरे का चौथे का ये स्टडी वाला नहीं मिलेगा दोबारा आपको टाइम ठीक है हाँ जी रोल नंबर 34 यस सर बच्चे बताएं सेम क्वेश्चन सर्वर क्लिक पहले कॉल होगा या ऑन क्लिक वाला सर सर्वर क्लिक ऑन सर्वर क्लिक वाला पहले कॉल होगा ठीक है फिर रिस्पांस आएगा देन ऑन क्लिक कॉल होगा ऐसे ही है ना यस सर प्रैक्टिस क्यों नहीं की सर मेरे उसमें एरर आ रहा था वीडियो स्टूडियो में क्या तो मैंने ये सोचा था कि मतलब सेशन एरर क्या है सर उसमें ये एरर आता था कि सर वो ना लोकल होस्ट के साथ कनेक्ट नहीं होता था मतलब यहां से जब हम लोग वीडियो स्टूडियो को यूज कर रहे होते हैं ना रन करते हैं तो वेब डेवलपमेंट सर्वर वाला जो मैसेज है वो वाला सर वो वेब पे आता ही नहीं था तो फिर मैंने नेट से सर्च किया था लेकिन मुझे कुछ भी वैलिड नहीं मिला था कि मतलब बच्चे सेशन का इशू था तो एक दो बच्चे जो हैं उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किए हैं उन्होंने इशू रिजॉल्व भी किया है सर रेगुलर के हैं कि सेल्फ के हैं ठीक है वो तो मैंने बोला था वो आपके जीआर के साथ दो तीन दफा डिस्कस हुआ है कि भी आज नहीं तो कल कर लेते हैं बट वो मेरा इधर नेट का इशू था वो फाइबर का वो कह रहे थे जी कट हो गई है जी इधर स्ट्रीट के अंदर बट वो नहीं था वो कुछ सर्किट शॉर्ट हुआ हुआ था उनका जिसकी वजह से मेरी स्ट्रीट में नहीं चल रहा था नेट तो सैटरडे मॉर्निंग इशू रिजॉल्व हो गया था बट फिर भी
अगर इस तरह का इशू था, मुझे नहीं आइडिया कि किस बच्चे को किस तरह का इशू बन रहा है, अगर आपके पास इस तरह का कोई इशू आ रहा है तो आगे से आगे कोर्स चलता जा रहा है, आप एटलीस्ट स्क्रीन शॉट ही सेंड कर दें कि ये इशू है, इसको किस तरह से रिजॉल्व करेंगे। सर इससे पीछे वाले सारे लेक्चर्स क्लियर है मुझे। हाँ जी मतलब इस रोल नंबर ठीक है, रोल नंबर 43। यस सर। बच्चे सेम क्वेश्चन सर, ऑन क्लिक पहले कॉल होगा फिर ऑन सर्वर क्लिक कॉल होगा। क्यों? क्योंकि सर सर पहले क्लाइंट साइड पे जो वर्किंग होती है पहले वो होती है फिर उसके बाद सर्वर पे जाता है सर। एग्जैक्टली क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग पहले एग्जीक्यूट होती है, देन आपकी आपने कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ा है वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज, उसके अंदर मैं तो 100% ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने ये तो एटलीस्ट चीज पढ़ी होगी कि सर्वर साइड स्क्रिप्ट पहले एग्जीक्यूट होती है या क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग। तो क्लाइंट साइड की स्क्रिप्ट पहले एग्जीक्यूट होती है, सर्वर साइड की स्क्रिप्ट बाद में एग्जीक्यूट होती है। मोस्टली क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग वैलिडेशन के लिए यूज होती है कि जब तक डेटा वैलिडेट ना हो तब तक आपका जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर के ऊपर जाए ही ना। तो अभी जितने ही बच्चों ने कहा जी कि सर्वर साइड वाला पहले क्लिक होगा, उन सब का आंसर जो था वो गलत था। आंसर यही है कि आपका ऑन क्लिक का पहले ट्रिगर होगा एंड देन आपका ऑन सर्वर क्लिक वाला जो है वो ट्रिगर होगा। ठीक है, एक्चुअली प्रैक्टिस नहीं की ना, प्रैक्टिस अगर की होती तो खुद ही आइडिया हो जाता है कि पहले हेलो वाला आता था, उसके ऊपर जब मैं ओके पे क्लिक करता था तो देन साथ ही पेज रिफ्रेश हो जाता था। अच्छा वहीं से कंटिन्यू करते हैं कि हमने एक फंक्शन बनाया था, देखूं स्क्रीन कौन सी शेयर, हमने एक फंक्शन बनाया था माय फंक्शन, उसके अंदर एक अलर्ट लिखा था हेलो एंड देन उसको ऑन क्लिक के ऊपर कॉल कर लिया था, जावास्क्रिप्ट को फंक्शन कॉल कर लिया था एचटीएमएल के अंदर। मैं अगर ये चाहूं कि मैंने इस फंक्शन जावास्क्रिप्ट को कॉल तो करना है बट ये जो इसका सर्वर क्लिक का इवेंट है ना, दिस वन यहाँ कॉल करना है, मैं चाहता हूं मैंने फंक्शन कॉल करना है जावास्क्रिप्ट का बट उसको कॉल करना है सर्वर साइड से, उसका नेम था माय फंक्शन। तो देखते हैं आता है इधर नहीं आ रहा, क्यों? वो क्लाइंट साइड का फंक्शन है, ये सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग है, यहाँ तो वही फंक्शन आएगा जो सी शार्प के अंदर बना हुआ होगा, मींस के सर्वर साइड की लैंग्वेज। तो हमारे पास टू वेज हैं जो के यूज किए जा सकते हैं सर्वर साइड के ऊपर क्लाइंट साइड की स्क्रिप्ट को रन करने के लिए। उनमें जो फर्स्ट वन है, हम दो फंक्शन पढ़ेंगे, दोनों में डिफरेंस ये है कि एक पेज के टॉप के ऊपर स्क्रिप्ट को प्लेस करता है, एक पेज के एंड के ऊपर स्क्रिप्ट को जो है वो प्लेस करता है। ये तो हमने कर लिया अप्लाई जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली टू द कंट्रोल्स ऑन योर एएसपीएक्स पेज, हमने भी ऑन क्लिक के ऊपर किया। अब हम ये चाहते हैं कि वही काम हम सर्वर साइड से करें। तो अगर आपने सर्वर साइड से जावास्क्रिप्ट का कोड कॉल करना है तो उसके लिए आपके पास एक मेथड अवेलेबल है जो कि पेज एक क्लास है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है क्लाइंट स्क्रिप्ट एंड देन उसके अंदर एक मेथड है रजिस्टर क्लाइंट स्क्रिप्ट ब्लॉक। देखें यूजर फ्रेंडली नेम है कि पेज है, पेज के ऊपर ही कॉल करना है एंड जो स्क्रिप्टिंग कॉल करनी है वो क्लाइंट साइड की है, तो उन्होंने सेम नाम रखा क्लाइंट स्क्रिप्ट। देन रजिस्टर करना है क्लाइंट का जो स्क्रिप्ट ब्लॉक है उसको। इसका जो सेंटेक्स है वो कुछ इस तरह से है कि ये एक मेथड है, ये फोर टाइप्स ऑफ पैरामीटर जिसको रिक्वायर है। द फर्स्ट वन इज टाइप,
कि टाइप क्या है. देन द सेकंड वन इज की. की एक यूजर डिफाइंड है, कोई भी आप इसको की प्रोवाइड कर सकते हैं. द थर्ड वन इज स्क्रिप्ट, वो स्क्रिप्ट जिसको रन करना है आपने सर्वर साइड से. बट स्क्रिप्ट कौन सी साइड की है? क्लाइंट साइड की. एंड द लास्ट वन इज स्क्रिप्ट टैग स्पेसिफिकेशन, कि आपने यहाँ जो भी स्क्रिप्ट लिखी है इसको स्क्रिप्ट के टैग के अंदर लिखना है या उसके बगैर. तो मीन्स ये बुलियन टाइप है, अगर ट्रू होगा तो स्क्रिप्ट के टैग के अंदर लिखेगा स्क्रिप्ट को, अगर फॉल्स होगा तो इसको एज इट इज लिखेगा. ठीक है. हाँ जी, तो इसको चलते हैं, इसका प्रैक्टिकल करते हैं. यहाँ हम चाहते हैं कि जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक हो, आपका वो बटन सर्वर साइड से फंक्शन को कॉल करे एंड जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन है उसको कॉल कर दे. तो हमने अभी पढ़ा पेज डॉट क्लाइंट स्क्रिप्ट, देन रजिस्टर क्लाइंट स्क्रिप्ट ब्लॉक. एक मिनट जरा. हाँ जी, पेज डॉट क्लाइंट स्क्रिप्ट एंड रजिस्टर क्लाइंट स्क्रिप्ट ब्लॉक. ये मेथड है जिसको फोर टाइप्स के पैरामीटर जो हैं वो रिक्वायर हैं. द फर्स्ट वन इज टाइप. तो टाइप को मैन्युअली देने से बेटर है कि डायनामिक अप्रोच यूज की जाए. तो हम जो भी हमारा करंट ऑब्जेक्ट होगा, दिस मीन्स करंट ऑब्जेक्ट डॉट गेट टाइप. जो भी हमारा करंट ऑब्जेक्ट है उसकी वो टाइप फेच कर लेगा. की में कोई भी यूजर डिफाइंड रख सकते हैं, ए बी सी, कोई भी यूजर डिफाइंड आप की रख सकते हैं. एंड देन यहाँ स्क्रिप्ट लिखनी है, वो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन जिसको हमने कॉल करना है. अगर मैं यहाँ ये लिखूँ ना अलर्ट this like this, तो ये भी चलेगा. ठीक है, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट की ही स्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट का कोड है. बट हम चाह रहे हैं कि हम उसी फंक्शन को कॉल करें, my function, this and this. सर ये जो आपने this dot get type लिखा है सर, ये एक दफा करनी दोबारा बता दो. देखिए यहाँ ना टाइप डिफाइन करनी होती है, जो भी ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर रहा है उसकी. तो हम इन चक्रों में नहीं पढ़ते कि खुद से उसको टाइप दें. हम कहते हैं जो भी करंट, दिस यूज होता है करंट ऑब्जेक्ट के लिए. यस सर. उसके अंदर एक मेथड है गेट टाइप का, जो कि करंट ऑब्जेक्ट की टाइप दे देता है. तो हम दिस डॉट गेट टाइप लिखेंगे, वो ऑटोमेटिकली यहाँ रिटर्न कर देगा इसकी जो भी टाइप होगी. ठीक है. देन की एंड देन माय फंक्शन. यहाँ हमने कहा कि एक बुलियन टाइप का एड स्क्रिप्ट टैग वो पूछता है कि ट्रू करना है या फॉल्स करना है. तो मैं इसको करता हूं ट्रू. इस ट्रू का मतलब ये है कि इस माय फंक्शन को जो कॉल करना है वो स्क्रिप्ट के टैग के अंदर करना है या स्क्रिप्ट के टैग से बाहर करना है. तो जावास्क्रिप्ट तब तक एग्जीक्यूट नहीं होती जब तक उसको स्क्रिप्ट के टैग में ना रखा जाए.
तो मैंने इसको क्या कर दिया, ट्रू। अब इसको जरा रन करते हैं, एंड ब्राउजर के ऊपर चलते हैं। दिस वन, अब ये देखिए मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, वो कोड बटन में लिखा हुआ है। अब पोस्ट बैग पहले होगा, देखें मैं बटन के ऊपर क्लिक किया, पोस्ट बैग हो गया। क्यों? अब ऑन क्लिक वाला फंक्शन तो हमने कॉल ही नहीं किया, अब हमने ऑन सर्वर क्लिक के अंदर जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल किया, तो प्री इनिट हुआ, इनिट, इनिट कंप्लीट, प्री लोड, लोड, लोड के बाद ट्रिगर वाला फंक्शन कॉल हो गया, एक्शन इवेंट, कंट्रोल का इवेंट। उसने पॉप अप दिया, मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो देन ये अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा। अगर इसको व्यू सोर्स कोड करके देखा जाए, इसने क्या किया, ये देखें माय फंक्शन तो बना हुआ था, हमारा जो कोड स्टार्ट होता है ना एचटीएमएल वाला, वो यहां से हो रहा है, ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम। इसने उससे पहले रन टाइम के ऊपर जैसे ही बटन क्लिक किया, स्क्रिप्ट का एक टैग लगाया, उसके अंदर माय फंक्शन को कॉल कर दिया। जैसे इस तरह करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, माय फंक्शन को कॉल कर देगा। अब इसने यहाँ ऑन क्लिक वगैरह नहीं रखा, क्यों, जो बटन क्लिक होगा तभी उसने उसको यहाँ पे प्लेस करना है। अब अगर पेज को रिफ्रेश करेंगे तो वो दोबारा कॉल नहीं होगा, क्यों, पेज दोबारा से रेंडर होता है, वो वहां से फंक्शन हट जाएगा, वो फंक्शन दोबारा वहां प्लेस हो जाएगा जब बटन के ऊपर क्लिक होगा, तो बटन टू भी क्लिक होगा तो वो कॉल नहीं होगा। अब इसको करते हैं जरा फॉल्स, वो जो ट्रू किया था ना उसको करके आते हैं फॉल्स। ठीक है, अब चलते हैं दोबारा ब्राउजर स्क्रीन के ऊपर। अब देखिए मैं इसको रिफ्रेश करके जब बटन क्लिक करूंगा तो कोई पॉपअप नहीं आएगा, उसने सिंपली क्या किया, माय फंक्शन को प्रिंट करवा दिया। उसकी रीजन ये है कि अब उसने कोई भी स्क्रिप्ट का टैग यूज ही नहीं किया उसको प्लेस करने के लिए, वो उसको सिंपल टेक्स्ट कंसीडर कर रहा है, नॉट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन। तो उसने क्या किया, उसको सिंपली उसके ऊपर कर दिया प्लेस। कहां किया, कंट्रोल से पहले। वापस चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। ये हमने डिस्कस किया रजिस्टर क्लाइंट स्क्रिप्ट ब्लॉक, ये टॉप के ऊपर पेस्ट करता है, प्लेस करता है आपकी जावास्क्रिप्ट को, हमने देखा भी उसने बॉक्सेस के ऊपर किया। सेम इसी तरह का एक फंक्शन है रजिस्टर स्टार्टअप स्क्रिप्ट, दोनों की वर्किंग 100% सेम है। डिफरेंस ये है कि वो टॉप पे करता था और ये टॉप की जगह बॉटम के ऊपर करता है। पैरामीटर सेम है इसके भी, टाइप की स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट स्पेसिफिकेशन, मींस बाकी हर चीज सेम है, जो डिफरेंस है वो बेसिकली जस्ट प्लेसमेंट का है कि वो करता है आपका टॉप के ऊपर एंड स्टार्टअप वाला जो है ये आपका बॉटम के ऊपर करता है। इसका प्रैक्टिकल करके देख भी लेते हैं। चलते हैं हम अपने वीडियो स्टूडियो की तरफ। यहाँ रजिस्टर क्लाइंट ब्लॉक था, मैं इसका नाम चेंज करता हूँ रजिस्टर स्टार्टअप स्क्रिप्ट। बाकी सारे पैरामीटर उसी तरह ही हैं, ये ट्रू की जगह फॉल्स ही रहने देते हैं। ब्राउजर के ऊपर चलते हैं। अच्छा जी, ये टॉप के ऊपर प्लेस करता है तो वो करेगा बॉटम के ऊपर। अच्छा जी, शमीर रोल नंबर 30। यस सर। अच्छा बताएं, मैंने उसको फंक्शन का नाम चेंज कर दिया है, पहले ब्लॉक वाला था अब स्टार्टअप वाला कर दिया। Yes. अब उसको प्रिंट करेगा या अलर्ट करेगा, मतलब टेक्स्ट माय फंक्शन को प्रिंट ही कर देगा बॉटम के ऊपर या उसको जावास्क्रिप्ट अप्लाई करके अलर्ट दिखाएगा? नहीं सर, सेम ही किया होगा क्योंकि हमने वो फॉल्स ही रखा है ना वो वाली। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली।
देखें बटन के ऊपर एक क्लिक करता हूं, तो उसने बॉटम के ऊपर उसको प्रिंट करवा दिया, स्टार्टअप वाला बॉटम के ऊपर एंड ब्लॉक वाला टॉप के ऊपर। उसने अलर्ट इसलिए नहीं करवाया क्योंकि हमने ये उसको कहा कि इसको स्क्रिप्ट के टैग में नहीं रखना। तो अगर स्क्रिप्ट के टैग में रखना है तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ट्रू। अब दोबारा ब्राउजर के ऊपर चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखें, अब हेलो आ गया एंड वहां वो नजर नहीं आया। तो ये दो मेथड थे आपके पास जो के अलाउ करते हैं आपको कि आप सर्वर साइड से जावास्क्रिप्ट का कोड जो है उसको एग्जीक्यूट कर सको। अब दो है, टॉप है बॉटम है, जरूरत क्यों पड़ी? कुछ आप प्लगइन भी आगे जाके यूज करोगे ना, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी यूज करोगे तो उनमें भी कुछ में रिक्वायरमेंट होती है कि जी एचटीएमएल के बाद प्लेस करोगे तो ठीक चलेगा, एचटीएमएल से पहले करोगे तो नहीं चलेगा। तो अगर इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है तो आपके पास दोनों वेज हैं, आप जो उनसे मर्जी जो है वो वे यूज कर सकते हो। अब लास्ट जो है इसके अंदर वो ये है कि आपने वेब सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल स्टाइल शीट पढ़ी होगी, उसी तरह एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की भी फाइल होती है। विजुअल स्टूडियो में चलते हैं, मैं यहाँ, अच्छा एक चीज माइंड में रखनी है कि ना थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म यूज करना है कि मिक्सचर सा नहीं बनाना, खिचड़ी नहीं बना देनी कि इसी मेन डायरेक्टरी में वेब फॉर्म भी है, इसी में स्टाइल शीट भी है, इसी में जावास्क्रिप्ट भी है, इसी में यूजर कंट्रोल है, फोल्डरिंग करनी है। अब मैंने एक ना जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी है तो मैं पहले फोल्डर बनाऊंगा, एड न्यू फोल्डर। अब जावास्क्रिप्ट के लिए या तो जेएस का नाम यूज कर लें या स्क्रिप्ट्स का फोल्डर यूज कर लें, सिमिलरली स्टाइल शीट के लिए या स्टाइल यूज कर लें या सीएसएस यूज कर लें, तो फोल्डरिंग रखें। अब जेएस की सारी फाइल्स इसमें प्लेस करेंगे तो मैं फोल्डर बनाने के बाद राइट क्लिक किया, एड न्यू आइटम, ये वेब फॉर्म है, ये स्टाइल शीट है एंड ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ स्क्रिप्ट डॉट js या कस्टम डॉट js भी रख सकते हैं, काफी ने कस्टम रखा होता है, एड। तो ये एक स्टाइल सॉरी जावास्क्रिप्ट की फाइल बन गई। अब अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ से कट कर दूं, स्क्रिप्ट का टैग नहीं कट करना क्योंकि वो फाइल ही स्क्रिप्ट की है, और यहाँ पेस्ट कर दूं तो ये 100% ओके है। बट जब यहाँ कॉलिंग करेगा वो माई फंक्शन की, तो उसको कहीं भी माई फंक्शन इस पेज पे नजर नहीं आएगा। उसके लिए किया क्या जाता है कि वो जो एक्सटर्नल फाइल जिसके अंदर फंक्शन है उसको ऐड कर लिया जाता है, इंक्लूड कर लिया जाता है। तो इंक्लूड करने के मल्टीपल वेज हैं, एक तो ये है उस स्क्रिप्ट की फाइल को ड्रैग कर लो दिस लाइक दिस, एंड सेकेंड खुद से स्क्रिप्ट का टैग लिख लो एंड सोर्स दे दो उसको इस तरह करके, दोनों में से जो आपको इजी लगता है आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो। अब इस पेज के अंदर तो कहीं भी माई फंक्शन नहीं है, बट इस फाइल के अंदर है, हमने इंक्लूड किया और ये फंक्शन यहाँ से कॉल होगा। अगर तो अलर्ट आता है तो मींस फंक्शन उसको मिल गया, अगर नहीं आता तो फंक्शन उसको नहीं मिला। लेस देन वन मिनट है रीजन का लेना। बटन के ऊपर क्लिक किया तो देखें हेलो का पॉपअप आया, इट मींस कि उसको फंक्शन मिला। कहाँ से मिला? यूज